नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मामला थाना कटरा बाजार क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सेलहरी गांव से जुड़ा है, जहां के मजरा सेलहरा के ईदगाह के पास स्थित मानसरोवर तालाब में सुबह ग्रामीणों ने एक युवती का शव उतराता हुआ देखा। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना कटरा थाना पुलिस को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मृतक युवती की पहचान सिलहरी गांव के मजरा अहिरन पुरवा की रहने वाली सोनी पुत्री रमेश उम्र 22 वर्ष के रूप में की गई है। मृतक के पिता रमेश यादव ने कटरा बाजार थाने में दी गई तहरीर में बताया कि बीती रात को उनके घर में गांव के ही रामबाबू पुत्र नक्षेत गौतम कूद गए। परिवार वालों ने रामबाबू को पकड़कर डायल 112 को सूचना दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस आरोपी युवक को अपने साथ थाने ले आई और उसके बाद अपनी पुत्री की खोजबीन शुरू की। उसका अता पता नहीं चला। सुबह सूचना मिली कि उसकी बेटी का शव गांव के कुछ ही दूरी पर स्थित ईदगाह के बगल बने मानसरोवर तालाब में उतराता हुआ दिखा है। मृतका के बड़े पिता राम नरेश ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व सोनी की शादी बहराइच जनपद के प्रयागपुर थाना क्षेत्र निवासी लालजीत से हुई थी। शादी के 1 वर्ष बाद लालजीत की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी से उसकी पुत्री यहीं रहती थी, कभी कभार ससुराल भी जाती थी, लेकिन ज़्यादातर मायके में ही रहती थी। वहीं क्षेत्राधिकारी करनैल गंज डॉक्टर उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य संकलन किया है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण का पता चल सकेगा। कटरा बाजार गोंडा से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता बैजनाथ अवस्थी की खास रिपोर्ट।